देखिए ये जो भड़ाई हुई है सिर्फ खाना पूर्ति हुई है, BCCL द्वारा, DGMS द्वारा जो अनदेखी की जा रही है और झड़िया की अनजान। BCCL की अग्नि प्रभावित व भू धसान वाले क्षेत्रों में बारिश के कारण गौफ बनने की घटना में इजाफा होने लगा है। अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रह रहे लोगों की जिंदगी खतरे में आ गई है। ताजा मामला झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग बनियाहीर समीप का है, जहां बने गौफ से जहरीले गैस का रिसाव होने से ग्रामीणों में दहशत है। घटना की सूचना मिलते ही कामगार सह कर्मचारी यूनियन के जिला अध्यक्ष अमित चौधरी जायजा लेने पहुंचे, आसपास के लोगों से मिले और उनकी समस्याओं को सुना। अमित चौधरी ने कहा कि एक तरफ गौफ तो दूसरी ओर जहरीली गैस से लोगों की जिंदगी खतरे में गुजर रही है। BCCL सिर्फ खाना पूर्ति के लिए मिट्टी की भराई की है, मिट्टी भराई के कारण बगल के घरों में गैस रिसाव शुरू हो गया है, घर के लोग दहशत में हैं। इस घटना से यहां के लोग घबराए हुए हैं। BCCL प्रबंधन शीघ्र ही पुनर्वास करे। जिला अध्यक्ष ने बताया कि BCCL लोदना क्षेत्र संख्या 10 के महाप्रबंधक को एक मांग पत्र सौंपा है। महाप्रबंधक के अग्नि प्रभावित इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित जगह पर स्थान देने की मांग की है। जिला अध्यक्ष BCCL को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर BCCL उन लोगों को बसाने के लिए कोई सार्थक कदम नहीं उठाती है तो कोयला मंत्री से मिलकर झड़िया पुनर्वास नीति पर बात रखेंगे। जरूरत पड़ी तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष राजू दास, झड़िया विधानसभा के अध्यक्ष रवि सिंह राठौड़, मनोज चौधरी, राजेश कुमार, विनय कुमार उपस्थित थे। देखिए ये जो भड़ाई हुई है सिर्फ खाना पूर्ति हुई है, BCCL द्वारा, DGMS द्वारा जो अनदेखी की जा रही है और झड़िया की अनजान जनमानस को इससे जो आहत होगा, बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना होगा सरकार को भी और हमारे सारे जनप्रतिनिधियों को भी। यहाँ की जनता इस गैस रिसाव से आज से नहीं, पूर्व से तराईमाम है। विगत 2014 या 2017 में दो एक बच्चा, एक उनके पिता, दो की मृत्यु भी, बबलू खान नाम था, दो की मृत्यु भी हो चुकी है, फिर भी किन्हीं को कुछ नहीं हो रहा। आज जो काम हुआ है यहाँ, सिर्फ मिट्टी रख करके यहाँ पर पैचअप किया गया है, यहाँ पैचअप खाना पूर्ति पैचअप किए हैं, पैचअप करने के बाद दूसरे जगह रिसाव हो गया, बगल में परिवार रहते हैं, घर रहते हैं, उनके आंगन में रिसाव हो रही है। तो इस समस्या की जानकारी हम लोगों को मिली तो देखने आया मैं इस मामले में, GM साहब, CMD साहब, BGMS डायरेक्टर, जरूरत पड़ी तो कोयला मंत्री साहब से भी मैं दिल्ली मिलने जाऊंगा इस मामले पे। ठीक है, पुनर्वास का मामला है, ठीक है, लोग बात करेंगे, लेकिन आम नागरिक जो रह रहे हैं यहाँ उन पे तो कुछ ध्यान देना होगा ना, बिना ध्यान दिए तो होगी नहीं बात। इसलिए हम लोग आए हैं 12 बजे दिन में, आज हम लोगों को जानकारी मिली है तो हम लोग आए हैं, देखे हैं, वास्तु स्थिति काफ़ी ख़राब है, काफ़ी दयनीय है। यहाँ आने वाले समय में बड़े बड़े से बड़े घटने का आशंका जता रहा है ये गैस रिसाव। देखिए ये जो सड़क है जिस पे इतनी भारी वाहनें चल रही हैं, ये भी एक बहुत बड़ी घटना होने वाली है, ये आभास हमें हो रही है, ऐसी बात नहीं है। इसको लेकर आप अपने क्या कीजिएगा जो आने जो घटना हो ना हो, घटना देखिए घटना ना हो, इस पे सड़क से लेकर के अभी हम सड़क पे खड़े हैं, सदन तक आंदोलन करेंगे, जरूरत पड़ी तो कानून का भी सहारा लेंगे। अमित कुमार चौधरी, कर्मचारी एवं कारगर यूनियन, धनबाद जिला अध्यक्ष। आने जाने का व्यवस्था